बजे 3:30 से 4 बजे के बीच में उठी, उठ के लाइटिंग चली गई बाहर। लाइटिंग गई तो उसके 4 बजे मम्मी हमारे हमें जगाई, कहे कि बिना मिंकू नहीं है, अभी लाइटिंग गई थी। तो हमने कहा हम उठे फटाक से, हमने धोना चालू कर दिया। हम लोगों ने घर में सबके घरों में देखा, पूरे जितने घर थे सबके घर में देखा, कहीं नहीं दिखी। तो हमने भैया को फोन किया तुरंत, हमने भैया को बुलाया, हमने भैया देखो मिंकू नहीं मिल रही है, भैया आए। फिर सबको फोन किया आपस में, हम लोगों सब लोगों ढूंढना चालू कर दिया। वो कहीं पता ही नहीं चला कि वो किधर गई है, कहाँ है, पता ही नहीं चला उसका कि वो कहाँ गई है। ढूंढते ढूंढते 8 बज गया, 8 बजे हम 12 बंकी निकल लिए, 12 बंकी तरफ ढूंढने के लिए। हमने कहा बाहर ढूंढेंगे, अब यहाँ ऐसा तो दिख नहीं रहे, बाहर ढूंढेंगे। और भैया चौकी चले गए। फिर भैया को किसी ने फोन करके बुलाया हमारे कि तुम्हारी बहन यहाँ बंधी हुई पड़ी है। हाँ, उसके बाद हमारी कोई कोई बात नहीं हुई, भैया लोहिया लेके चले आए। हम आए, हम जब आए तो मुझे पता चला कि हाँ उसके साथ 3 लोगों ने रेप किया है। पुलिस ने, हाँ पुलिस ने हमने कुछ नहीं कहा। वो 3 लोगों को बता रही है, 3 लोग वो स्प्रे डाल के कह रहे थे, जो हमें सड़क से उठा ले गए स्प्रे डाल के। एक का नाम ले रही बताया, एक नाम बताया कि जानती किसी को नहीं है, पवन कुछ, पवन करके कुछ है। हालत गले में फंदा लगा हुआ था, पैर बंधे हुए थे, बिल्कुल सांसें सिर्फ चल रही थी बस, उसे मरे हुआ समझ के फेंके थे। मारने की कोशिश की गई थी। हम लोग चाहते हैं फांसी, उनको फांसी हो, हम फांसी के अलावा कुछ नहीं चाहते। पुलिस से मदद किया लोग? पुलिस लगी तो है मदद मदद के लिए। वो एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।